ये मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट है अपने देश के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए, और ये संपूर्ण मुंबई में कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है, अगर गणपति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अपने सराउंडिंग एरिया है, जहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक है, जहाँ पर एक सोल्जर रहता हो, उनके यहाँ की एक मिट्टी जमा करनी है और यहाँ पर आप लाके अपने को रखना, ये उसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में ये मिट्टी सारे लोग इकट्ठा करके ये अपने दिल्ली में चली जाए, दिल्ली में, दिल्ली के भवन में इसकी मिट्टी जाएगी और इसके ऊपर नया भवन करा, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो उस ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से आज साउथ मुंबई में 1585 जगह पे हुआ है साउथ मुंबई। तो ये कॉन्सेप्ट है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब का ये संकल्प है कि जैसे एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, वही धरती पे एक देश से लगाव, एक देशभक्ति का संदेश देना चाहते हैं कि मेरी माटी मेरा देश, जो अपनी माटी के साथ स्वाभाविक रूप से ईमानदार रहेगा वही देश का सच्चा नागरिक होगा। वो संकल्प से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने ये संकल्प लिया कि हर पूरा देश मेरी माटी मेरा देश संकल्प से चले। उनका उद्देश्य ये है कि मेरा देश और मेरी माटी, जो अपनी माटी से गद्दारी नहीं करेगा, जो अभी चल रहा है इंडिया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया ब्रिटिशों ने लाया, भारत हम देशभक्त लोग ला रहे हैं। देशभक्ति का उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ला रहे हैं, तो वहाँ पे देशभक्ति के लिए हम हमारे नागरिक के नाते उनको सपोर्ट करना चाहिए। यही वजह से हम जहाँ जहाँ गणपति बप्पा है, आज गणेश उत्सव है, कल नवरात्रि आएंगी, यहीं पे हम यही संकल्प ना लेके जाएंगे कि अपना देश अपनी माटी, वही संकल्प ना लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी हमारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। उनका मेरे ख्याल से 15 साल से ये प्रयास रहा है कि हर साल कुछ नया करे, एक संदेश उनके इस चित्रकला से गणपति जी के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। उनका प्रोफेशन एडवोकेट है, लेकिन वो इसमें बहुत सारी रुचि रखते हैं। कल वो जब मेरे यहाँ पर घर पे आए थे तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ हमने की है, तो आज हम लोग, आज मैं और हमारे महामंत्री राजेश जी हम लोग सारे गणपति कर रहे, लेकिन बोले कि आज के ही दिन में प्रशांत जी के यहाँ पर जाके ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और मेरे ख्याल से बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है, और ऐसा मेरे ख्याल से घर गुदी गणपति में कहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से लोग बहुत सारी उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। हम लोग भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष होने के कारण मैं गर्व महसूस करता हूँ कि प्रशांत जी एडवोकेट रहने के बाद भी इतना टाइम अपने घर के लिए और गणपति बप्पा के लिए दे रहे, एक संदेश देने के लिए दे रहे हैं देश के लिए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। एक ही घर सवाल पूछोगे, हमारी तो युति है, तो ये सवाल करना मैं बोलूँगा गलत है, क्योंकि घर ही एक है, ठीक है, मगर शिवसेना बीजेपी तो एक ही घर के हैं, पहले से 25 साल की युति है हमारी, तो इसमें कोई दोए राय नहीं है कि घर में कोई अलग है, ठीक है, मगर बीजेपी और शिवसेना एक ही घर के सदस्य है। आप मैं पहले तो उनका धन्यवाद करूंगी कि वो हमारे घर पे आए, उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बाकी तो और कुछ। मेरे पदाधिकारी इतने बड़े मेरे घर पे आए, तो मैं उसी बात पे इतना खुश हूँ कि आज मेरे घर पे आके उन्होंने पापा जी का दर्शन लिया, आशीर्वाद लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो ये हम लोग मेरी माटी मेरा देश मोदी जी के घोषणा पे, उन्होंने 30 जुलाई को मन की बात में ये घोषणा की थी, तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घर घर जाके ये लोग जुड़े, इनका महत्व जाने, जो हमें आज 75 साल हुए स्वतंत्रता को, तो कैसे मिले वो आज हमें नहीं पता है, पर जो स्वतंत्र वीर सैनिकों ने जो बलिदान दिया है उनकी कदर करके हम आज ये कंसल्ट कर रहे हैं। चैलेंजिंग तो नहीं बोल सकते, पर एक उत्सुकता रहती है कि हमारे घर पे तो बापा है ही, हम दर्शन करें, पर दूसरे के यहाँ भी जाके उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया होगा या जो
डेकोरेशन किया है, वहाँ पे जाके हम दर्शन करें, पापा का आशीर्वाद लें, वो एक उत्सुकता ही रहती है, वो कोई चैलेंजिंग नहीं है, वो और उत्सुकता बढ़ाती है। सर यार कल भी लगेगी तो हमारी बीजेपी शिवसेना ही हमारे लोकसभा। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी बात पे गणपति बाप्पा के सामने कह रहे हैं, मैं ये दक्षिण मुंबई विभाग क्रमांक 14 का विभाग संगठक हूँ विजय वाडकर। मैं आज यहाँ पे आपने जो सवाल किया उस सवाल का ये जवाब दे रहा हूँ कि लोकसभा कल भी लगेगी तो हमारी शिवसेना और बीजेपी लड़ने को तैयार है और विजय भी हमें प्राप्त। क्या बात है, क्या बात है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, मनोकामना पूरा जरूर करेंगे।